मरीजों के लिए अब एक करनाल में अच्छी खबर सामने आई है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक खुल गया है। जानकारी देते हुए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर ने बताया कि करनाल में कोविड-19 के जो मरीज सफलतापूर्वक अपना इलाज करवा चुके हैं, उनसे प्लाज्मा लेकर जो नए पेशेंट कोविड-19 आ रहे हैं एवं बीमार है, यह प्लाज्मा उनके काम आएगा। उन्होंने बताया कि करनाल में 2 मशीनें प्लाज्मा बैंक के लिए लाई गई हैं और उन पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने जो मरीज कोविड-19 की जंग सफलतापूर्वक जीत चुके हैं उनसे अपील करते हुए कहा है कि वह प्लाज्मा डोनेट करने में आगे आए ताकि अन्य जो नए मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको ठीक किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा दान करना एक महादान है जो किसी अन्य बीमार व्यक्ति की जान बचा सकता है। उन्होंने बताया कि आज पहले दिन श्रवण बटला नामक व्यक्ति ने प्लाज्मा डोनेट करने की शुरुआत की है। इसके बाद प्लाज्मा डोनेट करने वालों के प्रॉपर टेस्ट करके प्लाज्मा बैंक में डोनेट करने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया जाएगा। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। ये जो सुविधा है इससे जो कोविड की जो जंग जीत चुके हैं उन मरीजों का प्लाज्मा लिया जाएगा जो कि मॉडरेट और सीवियर पेशेंट इलनेस में आते हैं, उनके लिए ये कारगर सिद्ध होगा। हमारे पास 2 मशीनें हैं जो जिनसे हम लोग प्लाज्मा डोनेशन लेते हैं और इनमें हर एक मशीन की कीमत लगभग 25 से 26 लाख है। सीरो सर्वेलेंस भी कल से स्टार्ट हो रही है, 13 तारीख से सीरो सर्वेलेंस शुरू हो जाएगी। इसमें जो रैंडम सैंपलिंग के थ्रू ब्लड सैंपल लिया जाएगा और इससे एंटीबॉडीज का पता लगाया जाएगा। जिसमें एंटीबॉडीज मिलेगी उससे ये फायदा होगा कि हम लोग एग्जैक्ट जो कि हमारी डिसीज प्रेवलेंस है, कितने मरीज इन्फेक्ट होते थे उसका पता लगेगा। तो प्लाज्मा के लिए कितने लोगों ने आप लोग डोनेट कर? हमारे पास जो आज हमारे जो पहले डोनर आए थे वो श्री शर्मन बटला जी थे, उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। और भी 2 मरीज हमारा सैंपल दे गए हैं जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी होगा और एंटीबॉडी टाइटर भी देखा जाएगा। अगर वो सुटेबल होंगे तो कल उनका भी ब्लड किया जाएगा। प्लाज्मा के मोटिवेशन के लिए हमने काउंसलर लगा रखे हैं। हमारे पास जो मरीज हमारे से ठीक होकर जा चुके हैं उनकी लिस्ट है, टेलीफोन नंबर है, हम उन सब से टेलीफोनिकली कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और उनसे बार बार उन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि वो अपना प्लाज्मा दे और एक मानव हित में काम करें, क्योंकि उनका दिया गया ब्लड प्लाज्मा कई मरीजों के लिए हितकारी हो सकता है, उनके इलाज में संभवतः उनके बहुत मदद कर सकता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।